नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ मैनेजमेंट कोच। आपका स्वागत करता हूं आज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आज आपको सोचने के तरीके के बारे में कुछ ऐसे लेसन्स देने वाला हूं, जिसके बाद में आपकी जो थिंकिंग है, जो सोचने का तरीका है या सोचने का जो एंगल है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाला है। लेकिन बात करने से पहले, सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज पे आप देख पा रहे होंगे कि एक हाथी है और बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे अंधे हैं और हाथी को पकड़ के देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो कि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, स्पिरिचुअलिटी या इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इस स्टोरी को जो कि इस इमेज में दिखाई जा रही है, या फिर उस इमेज को ही कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक वायरल इमेज है ये, और सिमिलर ऐसी इमेज बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएंगी जो सेम कॉन्सेप्ट या सेम स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। पर इस स्टोरी के ऊपर से जो मोरल निकल कर आता है और जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस स्टोरी में कहीं ज्यादा जो चीज़ आप देख पा रहे होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा एक डीप मीनिंग सामने निकल कर आ रही है। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको समझाता हूँ कि इस पिक्चर में दिखाया क्या गया है। एक हाथी है और बहुत सारे बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि इस हाथी को पकड़ रहे हैं। किसी ने सूंड पकड़ा हुआ है, किसी ने दांत पकड़े हुए, किसी ने पांव पकड़ा हुआ है, किसी ने पूंछ पकड़ी हुई है। और ये बच्चे एक टीचर के बच्चे हैं, ये सारे बच्चे अंधे हैं। टीचर को दिखाना था कि हाथी कैसा होता है, तो उसने हाथी बुलाया और बच्चों को कहा, जाओ बच्चों देखो हाथी कैसा है। बच्चे तो अंधे थे, तो बच्चों ने जाकर हाथी को पकड़ा। अब बच्चे छोटे, हाथी बड़ा। अब वो बच्चों के कह सकते हैं कि पकड़ से इतना बाहर था कि किसी के पकड़ में केवल सूंड आई, और जिसके पकड़ में सूंड आई तो उसने कहा हाथी सुरंग जैसा था, जिसके पकड़ में पूंछ आई उसने कहा हाथी लंबा था झाड़ू के जैसे, जिसके पकड़ में पांव आए तो उसने कहा हाथी खंबे के जैसा होता है, जिसके पकड़ में पेट आया उसने कहा हाथी पहाड़ के जैसा होता है। तो बेसिकली ये अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से एक ही हाथी को क्यों एक्सप्लेन कर रहे थे, और किसी की एक्सप्लेनेशन गलत भी नहीं थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके पास देखने के लिए नज़रें नहीं थी जो कि हाथी को एक बार में पूरी तरीके से देख सकें, और उनके पास जो माध्यम थे, यानी वो उनके आदमी के आँखों से देखता है, अपनी नाक से सूंघता है, कानों से सुनता है, इसी तरीके से तो हम किसी इस धरती के बारे में जान पाए हैं, इन्हीं इंद्रियों के बारे की वजह से जान पाए हैं। तो वो मुख्य इंद्रिय जिसकी वजह से वो देख पा रही थी, वो काम नहीं कर रही थी, वो सारे अंधे थे। तो इसके अलावा वो स्पर्श करके जान सकते थे कि हाथी कैसा होता है। चूंकि स्पर्श करने की जो उनकी क्षमता थी वो एक सीमित थी, वो एक हाथी के सीमित हिस्से को ही स्पर्श करके जान सकते थे, और उन्होंने जिस हिस्से को स्पर्श किया उन्होंने समझा कि हाथी वैसा ही है। और सेम थिंग, सेम चीज़ या सेम कंडीशन होती है हमारे साथ, हमारे बारे में जब हम लाइफ के बारे में सोचते हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेंस कहाँ, कैसे, किसकी बढ़ती है या घटती है हमारे उस नैरो एंगल की वजह से। जैसे वो बच्चे अंधे थे, वो पूरे हाथी को नहीं देख पा रहे थे, वैसे हमारे साथ होता है। हम आंख से अंधे नहीं हैं, लेकिन हम वैचारिकता के मामले में उन बच्चों से ज़्यादा बड़े अंधे हैं। हमारी जो सोचने की क्षमता है वो इतनी घटी हुई है, इतनी कमज़ोर है कि हम लाइफ को बहुत नैरो एंगल के साथ देखते हैं, बहुत नैरो एंगल के साथ ही सोच पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आप जब 10th में थे या 12th में थे, तो आप याद करिए कि आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी। शायद 12th में यदि आप पढ़ाई में वीक रहे होंगे तो पास हो जाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उस समय, और यदि आप पढ़ाई में अच्छे थे तो पढ़ाई में क्लास में टॉप करना, यदि आप क्लास में अच्छे थे तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टॉप करना, वो आपकी प्रायोरिटी थी। और शायद उस समय जब आप मंदिर जा रहे होंगे तब भगवान से आप यही मांग रहे होंगे कि हे भगवान मुझे पास करवा दे, हे भगवान मुझे टॉप करवा दे, हे भगवान मेरे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर से ज़्यादा नंबर आ जाएं। तो आपकी जो कंप्लीट एंटायर लाइफ थी फॉर दैट टाइम, या उस कम्प्लीटली टाइम स्लॉट के लिए, पीरियड के लिए, जब आप 10th या 12th में थे या अपने कॉलेज में थे, तब वो एग्ज़ाम ही आपके लिए कम्प्लीट था और आप भगवान से मांग रहे थे उस एग्ज़ाम में टॉप करना। लेकिन यदि आप उसके रिजल्ट के बारे में सोचते, तो 10th के रिजल्ट में टॉप करने से क्या ही हो जाता, या 12th के रिजल्ट में 12th में टॉप करने से क्या ही हो जाता। यदि आप भगवान से मांग रहे थे तो आप ऐसा ही क्यों नहीं मांग लेते कि हे भगवान मुझे 1,000 करोड़ रुपए दे दे, क्योंकि एट द एंड 12th में अच्छे मार्क्स ला के होना क्या है।
तो आप यदि सोचें क्रम से तो 12th में 10th में अच्छे मार्क आएंगे, तो 12th में अच्छा एडमिशन अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा 11th में, उसके बाद 12th में आपके भी और अच्छे नंबर आ सकते हैं, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा प्लेसमेंट होगा, शायद अच्छी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब मिल जाए और आपको बहुत अच्छी पगार मिलने लगेगी। तो एट द एंड आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे थे वो पैसों के लिए ही कर रहे थे, लेकिन जो कि आपका एंगल बहुत नैरो था लाइफ के बारे में या उस टाइम पीरियड के बारे में, उस टाइम पीरियड में लाइफ के बारे में, तो आप उन चीज़ों को मांग रहे थे जो कि उतनी ज़रूरी नहीं थी जो कि आप मांग सकते थे उस समय। शायद बिलियनर बना दे भगवान आपको, लेकिन बिलियनर बना सकता था, लेकिन आपने मांगा क्या 12th में, क्योंकि आपका एंगल बहुत नैरो था। तो इसी तरीके से आप पूरी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ के इंटायर जर्नी में अपने आप को बहुत नैरो करके उन बच्चों की तरह पूरी स्थिति को ना देखते हुए एक छोटी सी स्थिति को ज़िंदगी समझ लेते हैं और उसी के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जब आपकी पूरी लाइफ गुजर चुकी होती है, क्या होता है कि बच्चा सबसे पहले हाथी के आगे वाले भाग को पकड़ता है, तो सूंड को पकड़ता है तो वो समझता है कि सूंड ही हाथी है, फिर ऊपर आता है थोड़ा तो दांत को पकड़ता है तो समझता है कि अरे सूंड के साथ दांत भी हाथी होता है, फिर और आगे आता है तो पाँव को पकड़ता है, फिर और आगे आता है तो पेट को पकड़ता है, फिर और आगे आता है तो पूंछ को पकड़ता है, तब उसको समझ में आता है कि भाई ये सूंड है वो ही पूरा हाथी नहीं है, इसके अलावा ये पूरी चीज़ें मिलकर हाथी बनता है। तब वो समझ पाता है कि हाथी तो एक्चुअली में वो है जो वो समझ ही नहीं पा रहा था, और जिसे वो हाथी समझ रहा था वो केवल सूंड थी। उसी तरीके से लाइफ के अलग अलग स्टेज में जो लाइफ में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, वो तब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जिनकी इंपॉर्टेंस आप उतनी ज़्यादा देते हो उनको। तो ऐसे में आपको वाइड एंगल के साथ सोचना चाहिए, बस एक चीज़ सोचना चाहिए कि क्या जिसके लिए आप इतने परेशान हैं आज की डेट पर, क्या उसके लिए जितने आप संघर्ष कर रहे हैं या उस चीज़ के लिए जितने ज़्यादा आप परेशान हैं, एट द एंड लाइफ के एंड में उस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली है। मतलब एक 80 साल के बुजुर्ग के लिए 10th में वो कितने नंबर लेकर आया था वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे होंगे, बशर्ते उसके लिए वो लाइफ की दूसरी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होंगी। तो आंख बंद करिए और सोचिए कि क्या आप उस हाथी की सूंड तो पकड़कर उसे पूरा हाथी नहीं समझ रहे हैं, या जिंदगी के जिस मुकाम पर आज हैं आप अभी उसे ही तो पूरा जिंदगी आप नहीं समझ रहे हैं। सोचिए और सोचने का दायरा बड़ा करिए, एक पॉसिबिलिटीज रखिए, एक ऑप्शंस रखिए कि इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, और उनको खगालना शुरू करिए। इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ में। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एक 10th के स्टूडेंट हैं तो आप अभी नैरो एंगल के साथ सोच रहे हैं, अभी आपके पास ना बहुत लिमिटेड साधन हैं जैसे साइंस या मैथ्स या फिर आर्ट या कॉमर्स, लिमिटेड। तो आपके पास एक डॉक्टर बनना ऑप्शन है, आपके पास एक इंजीनियर बनना ऑप्शन है, लिमिटेड ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आपने लिमिटेड ऑप्शंस बना रखे हैं, आप सोच नहीं रहे कि इसके अलावा भी और बड़ा हाथी हो सकता है क्या। यदि आप सोचें तो आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ होती है, रॉकेट साइंस भी कुछ होती है, मशीन लर्निंग भी कुछ होता है, फिशरी साइंस भी कुछ होता है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लिम्नोलॉजी भी कुछ होती है। क्या आपको इसके बारे में पता था? नहीं पता था, तो आपने बहुत लिमिटेड स्ट्रीम के बारे में सोचा क्योंकि आप उस समय ये नहीं सोच पाए कि इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कभी भी जिंदगी में जब भी आप सोचें तो एक ऑप्शन हमेशा अपने पास रखें, वो ये कि जितना आप सोच रहे हैं उसके अलावा भी जिंदगी हो सकती है, उसके अलावा भी वर्ल्ड हो सकता है, और उस स्पेस के लिए अपने आप को तैयार रखें और हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी को खोजें। इस सोचने के नए तरीके से ना वो चीज़ें आप कर पाएंगे जो वो लोग कर पाए हैं जो आज के समय में इतिहास में बहुत टॉप लेवल पे हैं या जिनको आप किताबों में पढ़ रहे हैं। और बस यही एक नज़रिया होता है बहुत सक्सेसफुल लोग के बीच में और लो सक्सेसफुल लोग के बीच में, क्योंकि अमूल जैसी कंपनी कोऑपरेटिव के तौर पे स्थापित हो पाई क्योंकि वो एक ऑप्शन को ढूंढ पाए जिसे कोई नहीं देख पा रहा था, मतलब एक कंप्लीट नज़रिया को देख पाए। क्या आप जो सोच पा रहे इस तरीके से? नहीं सोच पा रहे तो सोचना शुरू करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो एग्जांपल आपको देकर आपको बताना चाह रहा था, वो आपके बात समझ में आई होगी। यदि आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, बाजू में आपके लाइक बटन वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर, उसके बाजू में बेल का आइकन होगा उसे भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की किसी मोटिवेशनल बिजनेस स्टार्टअप या फिर सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर किसी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।